Good afternoon, everyone. So today, what we're going to learn? Today, we're going to learn about rounding off to the nearest tens, hundreds, and thousands. So till now, we have completed till tens and hundreds. In the next class, we will be trying to complete thousands and also the basic operations wala part. Okay. Now, moving forward, estimation. Let's see key, what is estimation. So according to the Indian census, India mein population bahut hai. So isliye always decade wise, like har 10 saalon mein ek bar they check the population of the country. So last time in 2011, they checked the population of the country, which was around 121 crores. Now I want you guys to think about ki, do you think ki population jo tha wo exactly 121 crores tha? Aisa bhi ho sakta hai ki zyada bhi, matlab exactly 121 crores ho sakta hai kabhi? Think about that. Really, Remin bol ke insaan hai, usko ek ghar banana hai. He wants to build one house. So he arranged like 50 lakh for its construction. 6 lakhs for its construction. So now, aisa ho sakta hai ki Raymond ko exactly 6 lakhs chahiye construct karne ke liye apne house ko. Aisa bhi ho sakta hai ki zyada bhi lag sakta hai usko, kam bhi lag sakta hai, right? So now let's see the situation number 3. The government ne 85,000 crore education ke towards बजट एलोकेट किया है, ठीक है, बट आपको क्या लगता है कि 85,000 करोड़ ही चाहिए कोई टुवर्ड्स द एजुकेशन, टुवर्ड्स एवरीथिंग वी नीड? ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, राइट? सो एंड फाइनली ये बहुत जाना माना एग्जांपल है. ये वाला एग्जांपल में we know ki every day the Indian railway carries about 23 million people, but kabhi aisa ho sakta hai ki exactly 23 million passengers hi wo log carry kar rahe hain har roz? Aisa to nahi ho sakta hai na. So based on all these four situations, hum ye predict kar sakte hain ki jo numbers humko diya gaya hai wo exact nahi hai, matlab precise nahi hai ekdam. और क्योंकि इट्स डिफिकल्ट टू एक्चुअली काउंट द नंबर ऑफ पीपल. फॉर एग्जांपल अगर आप रेलवे का एग्जांपल ले लो, रेल में आप पागल हो जाओगे इफ यू स्टार्ट काउंटिंग हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग रेलवेज एवरी डे. इट्स नॉट पॉसिबल. सो एक मोटा मोटा करके दे एस्टिमेट अ नंबर, दे गेस अ नंबर. तो जो 23 मिलियन हमने बोला, दैट इज अ एस्टिमेटेड नंबर. ठीक है, एस्टिमेट करना मतलब टू मेक अ गेस. थ्रू एस्टिमेशन हम किसी को एक रफ आइडिया देते हैं कि ये देखो ये इसका वैल्यू है या ये अप्रॉक्स नंबर है. सो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम ये एस्टिमेट कर पाते हैं, एस्टिमेट करते हैं वैल्यू या कोई नंबर. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. सो चलो एक मजेदार कहानी या एक जर्नी पे चलते हैं कार में. ठीक है, सो लीला बोल के एक लड़की है, उसको अपने दोस्त के घर जाना है, तो हमको उसको हेल्प करना हुआ एंड वी आर गोइंग टू हेल्प हर अलॉन्ग विद द स्टोरी एज द स्टोरी प्रोग्रेस. ठीक है, सो लीला अपने घर दोस्त फ्रेंड के घर जा रही है जो 100 किलोमीटर दूर है, विच इज 100 किलोमीटर अवे, और देयर इज अ पेट्रोल पंप फॉर एवरी 10 किलोमीटर. सो रास्ते में 10 किलोमीटर इंटरवल्स में देयर इज पेट्रोल पंप्स. ठीक है, और स्टार्टिंग उसने जीरो से शुरू किया, 100 में उसका फ्रेंड का घर है, हर 10 किलोमीटर पे एक एक पेट्रोल पंप है. ठीक है, तो एट 12 किलोमीटर लीला स्टॉप्स द कार बिकॉज उसने देखा कि उसके गाड़ी को
पेट्रोल खत्म हो जा रहा है। सो 10 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है, 20 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है, वो अभी 12 किलोमीटर पे है। सो अभी वो कौन से पेट्रोल पंप पे जाएगी? तो हमको देखना होगा कि कौन सा वाला क्लोज है यहाँ पे, विच पेट्रोल पंप इज क्लोजर टू द लीलास प्लेस। 12 किलोमीटर से कौन सा वाला पेट्रोल पंप 10 वाला का नजदीक है या 20 वाला नजदीक है? सो विल सी दैट। ऑब्वियसली 10 वाला इज मोर क्लोजर देन 20 वाला। 10 वाला पेट्रोल पंप बहुत काफी नजदीक है जब हम 20 से वो कंपेयर करते हैं। तो इसलिए लीला गो बैक टू द पेट्रोल पंप विच इज एट 10 किलोमीटर। ठीक है, ना मूविंग फॉरवर्ड, लीला कंटिन्यूज ड्राइविंग और फिर से 57 किलोमीटर पे उसका गाड़ी रुक जाए। उसने देखा कि उसका पेट्रोल खत्म होने वाला है। सो अभी 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है। सो अभी वो कौन से पेट्रोल पंप पे जाएगी? तो पेट्रोल पंप जो 60 किलोमीटर पे है वो 3 किलोमीटर दूर है सिर्फ, बट जो 50 किलोमीटर पे है दैट इज 7 किलोमीटर अभी। सो व्हाट डू यू थिंक कि वो कौन से वाले पेट्रोल पंप पे जाएगी? ऑब्वियसली वो पास वाली में जाएगी। सो वो 60 वाले पेट्रोल पंप पे चली गई। ठीक है, फाइनली फिर से चलने चलने के टाइम पे फाइनली वो जब 85 किलोमीटर पर आई, फिर से उसका पेट्रोल खत्म होना शुरू हो गया। और 80 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है और 90 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है, तो वो अभी कौन से पेट्रोल पंप पे जाएगी? क्योंकि दोनों दोनों ही पेट्रोल पंप इक्वल डिस्टेंस में, ये भी 5 किलोमीटर दूर है, ये भी 5 किलोमीटर दूर है। बट उसने बोला कि नहीं, मैं 90 किलोमीटर पे जाऊंगा बिकॉज ये 90 वाला इज मोर नियर टू द एंड पॉइंट, वो जहां पहुंचना चाहती है वो उसी तरफ है और बहुत नियर है टू हिज टू हर ओन एंड पॉइंट, जहां पे वो पहुंचना चाहती है टू हर डेस्टिनेशन। ठीक है, सो वो 90 किलोमीटर चली गई एंड अल्टीमेटली उसने अपना 100 किलोमीटर जर्नी खत्म किया और वो अपने फ्रेंड के घर पहुंच गई। राइट, सो हमने अभी ये क्या किया कि हम जो हमने लीला को पहुंचा दिया उसके फ्रेंड के घर पे, ये हमने क्या किया? अभी हमने क्या प्रैक्टिस किया? वी फाउंड द इन दिस केसेस, इन सारे केसेस में हमने नियरेस्ट और क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 को ढूंढा। मतलब वहां पे क्लोज मल्टीपल ऑफ 10 मतलब जो 10 से मल्टीप्लाई होके जो आंसर आता है वो हम मल्टीपल्स ऑफ 10 बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 into 1 10, 10 into 2 20, 10 into 3 30, 10 into 4 40, 10 into 5 50, ऐसे करके 60 70 80 और 90, ये होते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10। सो नाउ हमने क्या किया, ये मल्टीपल्स ऑफ 10 हमने ढूंढा पेट्रोल पंप बेस्ड ऑन द प्लेस वेयर लीला वाज ऑन, जहाँ पे लीला थी उससे कौन से वाले नजदीक का मल्टीपल ऑफ 10 है वो हमने देखा और उस हिसाब से हमने चुना कि अच्छा इस वाले पेट्रोल पंप पे वो जाएगी। और ये जो हमने क्लोजेस्ट और नियरेस्ट वाला जो मल्टीपल ढूंढा, इसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ द नंबर। जो नंबर हमने देखा उस नंबर को हमने राउंड ऑफ किया टू द नियरेस्ट 10। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे देखा कि 80 ये वाला नहीं, 57 पे उसकी गाड़ी रुकी, तो यहाँ पे नजदीक में कौन सा वाला मल्टीपल ऑफ 10 है? ऑब्वियसली 60 वाला है एंड उस हिसाब से हमने 57 को राउंड ऑफ करके 60 लिया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ टेंस। ठीक है, हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, ये और हम टेक्निकली सीखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट, सो बियर विथ मी। ठीक है, सो नाउ अभी हम राउंडिंग ऑफ करेंगे नंबर्स को टू द नियरेस्ट 10, टेंस में हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है,
सो फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 57, जिसको हमको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कैसे करेंगे? इसको हम देखेंगे इसका वंस प्लेस में क्या है। इसके वंस प्लेस में मैं देख सकता हूँ 7 है, ये वंस प्लेस में। और फिर हम देखेंगे कि ये वंस प्लेस में ये 5 से बड़ा है या छोटा है। ये जो 7 है, इज इट बिगर देन और स्मॉलर देन 5, जो वंस के प्लेस में जो डिजिट है। सो 7 इज ऑब्वियसली बिगर देन 5। ये 7 जो है ये 5 से बड़ा है। अगर ये वंस का नंबर डिजिट जो है वो अगर 5 से बड़ा है, हम इसको नेक्स्ट मल्टीपल जो है उसमें इसको राउंड ऑफ कर देंगे। इसका नेक्स्ट मल्टीपल 57 के बाद 57 कौन से मल्टीपल्स उसके नियर्स हैं, टेंस के मल्टीपल्स, एक है 50 और एक है 60। बट 57 में 7 5 से बड़ा है, वो नेक्स्ट मल्टीपल पे जाएगा, मतलब बड़ा वाला मल्टीपल जो है। दैट विल बी 60। द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 इज 60, तो ये राउंड ऑफ करके 60 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इन द सेकेंड वन 82। ठीक है, 82 में हम फिर से देखेंगे कि वंस प्लेस में क्या है। वंस प्लेस में 2 है। ये 2 5 से छोटा है या बड़ा है? ये 2 5 से छोटा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका मतलब 82 के जो मिनिमम मल्टीपल है, 82 के नजदीक वाला जो मल्टीपल है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो 82 के नजदीक वाला मल्टीपल कौन सा है? 82 किस किस के बीच में है? 82 इज इन बिटवीन 90 और 80। बट ये क्योंकि 2 जो है वो 5 से छोटा है, उसके पहले वाला जो मल्टीपल है वो हम चूज करेंगे। तो 82 को हम राउंड ऑफ करके 80 लिखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा मैं और भी क्लियरली आपको समझाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड। तो 82 को हम देखेंगे कि 82 से तो द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5। तो पहले हम वंस वाला प्लेस देखेंगे, वो देखेंगे कि 5 से छोटा या बड़ा है। अगर ये छोटा है तो हम इसके पीछे वाला जो मल्टीपल होगा वो हम चूज करेंगे। तो 82 अगर है, उसके पीछे वाला मल्टीपल ऑफ 10 है 80, राइट? हम वहां पे राउंड ऑफ करके ये 80 लिख देंगे। समझ गया? नाउ ये था आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। ये क्लास में आप लोगों ने किया है ऑलरेडी, ऑलरेडी पिक्चर भेज दिया है ग्रुप में, आप इससे वो कर लोगे। ठीक है, ये सारे उसके आंसर्स हैं। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे या सॉल्व कर लोगे, ये आंसर्स आप कर लोगे, ये आंसर्स आप देख के चेक कर सकते हो। सेकेंड इज राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू नियरेस्ट 100। ठीक है, अभी तक हम नियरेस्ट टेंस तक देख रहे थे, अभी हम हंड्रेड्स का देखेंगे। ठीक है, हंड्रेड्स में क्या है? तो हम देखेंगे नंबर कौन सा है, 270। इस नंबर के लास्ट डिजिट हम देखेंगे। लास्ट डिजिट इस नंबर के कौन से हैं? लास्ट दोनों डिजिट डिजिट 70। और ये हम 70 जो है ये देखेंगे, ये 50 से बड़ा। लास्ट टाइम जैसे हम देख रहे थे 5 से बड़ा है कि नहीं, अभी हम देखेंगे 50 से बड़ा है कि नहीं, 50 से बड़ा है कि नहीं। तो 70 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 50, राइट? तो 70 इज बिगर देन 50। तो अगर ये नंबर लास्ट डिजिट अगर ज्यादा हुआ 50 से, सो देन वी कैन राउंड इट ऑफ टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 100। ठीक है, तो 50 से ये बड़ा है 70, सो द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 270 इज, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 100 270 में आता है 300। सो इसलिए हम इसको 300 में राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है,
अगर कुछ ऐसा हुआ 8:49, ये अगर 8:49 हुआ तो क्या करेंगे हम? 8:49 में हम पहले देखेंगे कि लास्ट डिजिट कौन सा है। लास्ट डिजिट है 49। तो ये 49 है, ये हम देखेंगे कि 50 से बड़ा है या छोटा है। सो ऑब्वियसली 50 इज ग्रेटर देन 49। तो अभी हम क्या करेंगे? तो 849 के आजू बाजू कौन से हंड्रेड्स के मल्टीपल्स हैं? एक है 800 और एक है 900। तो हम यहाँ पे जो मल्टीपल कम होगा, मतलब पीछे वाला जो मल्टीपल होगा 100 का, वो हम उसको राउंड ऑफ करके इसको लिखेंगे। तो 800 को, 849 को हम 800 करके लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। आई होप ये समझ आया, पर ये समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे बताओ, ठीक है? इन द नेक्स्ट स्लाइड यही है बेसिकली। अगर ये 50 से कम है तो द प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 100, ठीक है? तो प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 849 इज 800, गॉट इट? सो ये है आपके प्रैक्टिस करने के लिए, ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा अपने ग्रुप में, या प्रैक्टिस करना, और यहाँ पे आंसर्स हैं, गॉट इट? आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। इसके बाद वाले क्लास में वी विल बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द थाउजेंड्स के मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स में कैसे राउंड ऑफ करते हैं वो सीखेंगे। एंड उसके बाद ये हम बेसिक ऑपरेशंस में, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन में कैसे हम राउंडिंग ऑफ यूज कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी लर्निंग, ठीक है? सो विद दैट आई एंड आवर क्लास। सी यू टुमारो एट 12 PM। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फोन्स इन अ और चार्जर, वो बॉक्स के अंदर, बॉक्स में भर के। उसके अलावा कल आपको रेशन भी मिलेगा, सो इसके लिए आप प्लीज को बैग्स लेके आना रेशन कैरी करने के लिए, और पेरेंट्स को लाना, ठीक है? ये तीनों चीजें ध्यान से रखना, और कल मिलता है, ठीक है? चलो टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।